हाँ हाँ पूरा एकदम चलने दीजिए आराम से। अरे पूरा पूरा लीजिए, पूरा लीजिए, पूरा लीजिए ना इसको ज़्यादा। हट जाइए भाई, मोबाइल है। अरे हट भाई राजू, पहले ऐसा आवाज़ कम करिए, आवाज़ कम। लागू कर दिया गया शिष्टाचार प्राचीन काल अनाथ काल से आ रहे हैं। कई वैज्ञानिकों का, विद्वानों का कई मत है। क्या नाम है आपका? अंशुमान सिंह सर। जैसे शंकराचार्य ने कहा सार विद्या मुक्ति, विद्या से ही मुक्ति दिलाती है, विद्या ही मुक्ति दिलाती है। एजुकेशन इज द लॉन्ग लाइफ प्रोसेस, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी खत्म नहीं होती। कोई है जिसकी नहीं सर? क्या आप इसके लिए कुछ करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे सर, उस काबिल हो जाएंगे सर तो हम जरूर करेंगे। काबिल अभी नहीं है जी सर, योग्यता तो हम ले रहे हैं लेकिन अभी उस काबिल नहीं है सर कि हम दे पाए शिक्षा। हम योग्यता भी सर ग्रहण कर रहे हैं, अभी योग्यता गवान पूरे नहीं हुए सर, जब तक हमारा चार सेमेस्टर कम्प्लीट नहीं हो जाता, जब किसी प्राथमिक विद्यालय में हमारा लग जाएगा। जीवन पर्यंत चलने वाली है ना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सर, जितने हमारे पास जितनी योग्यता सर हम दे सकते हैं, कहीं पर औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके दे सकते हैं। आपके पिताजी बीटीसी किए थे? नहीं बिल्कुल सर नहीं। क्यों पढ़ा रहे हैं? तो दे रहे हैं सर ने अनौपचारिक शिक्षा, हमको औपचारिक शिक्षा दोनों दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि मैं नहीं? तो सर हम 5 वर्ष वाले खास मत, कुछ परिवर्तन तो आए होंगे ना सर शिक्षा अभियान बना तो? जी सर बिल्कुल आया है, पहले लागू नहीं थे सर शिक्षा, सबको सर एक समान शिक्षा दी जाए सभी बच्चों को, विद्यालय में बच्चों को बढ़ावा देने के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई। वो अधिकतर अधिक से अधिक प्रयास करके उन बच्चों को माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में भेजने की अत्यधिक कृपा करें, तभी हमारा ये जो अभियान है सफलतापूर्वक जो है चल सके। गवर्नमेंट तो हमें हर प्रकार से जो है बच्चों को हर प्रकार से सारी सुविधा दे रही है, लेकिन बच्चे जो हैं उनके अभिभावक जो हैं वो तो आज के इस बदलते परिवेश और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दिखाने के लिए चल बाल आप लोग करा चुके हैं? क्या तो बेटियां नहीं पढ़ रही थी? सर पढ़ तो रही थी पर उनको इतना छूट नहीं मिलता था उनका, बस सभी पेरेंट्स का यही उद्देश्य रहता था खाना बना के अंदर ही, घर के अंदर ही। अब क्या होता है, बाहर निकल रहे हैं सब लोग? नहीं सर, इसका ये उद्देश्य है कि अगर बेटियां पढ़ेंगी तो उसके पढ़ने से दो परिवारों को शिक्षा मिलेगी, बेटे के पढ़ने से एक ही परिवार शिक्षित होता है, अगर बेटियां पढ़ेंगी तो उसके मतलब मायके में और ससुराल में भी दोनों जगह दोनों परिवार शिक्षित होंगे। जब तक बच्ची मैच्योर होगी तब तक अपने मायके में रहेगी तो वहाँ भी शिक्षा का शिक्षण कार्य करेगी, और जब अपने परिवार में चली जाएगी हमारे ससुराल में तो वहाँ भी जाकर के शिक्षण कार्य करेगी। चेतना आ रही समाज में? शादी होने के बाद उतना छूट नहीं मिलता था। गांव में गए थे आप लोग? जी सर। हैं? वहाँ किसी किसी घर में गए आप लोग, बताए इस चीज को? जी सर, स्कूल में हम लोग गए थे। स्कूल में गए कल सर हम लोग, ये सब लोग सर मतदाता जागरूकता अभियान के रैली, पूरा 5 किलोमीटर के एरिया पूरा घूम करके बच्चे हमारे इधर से हर रेलवे लाइन से होकर गए, और फिर विद्यालय जो वहाँ प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय है सजनपुर में, वहाँ हमारे बच्चे गए, सहयोग से वहाँ के जो हेडमास्टर साहब थे वो भी डाइट में, हमने उनको ट्रेनिंग दे रखा था, पूरा अच्छा माहौल उनके यहाँ संतोष जी अभी हमारी पढ़ाई लिखते हैं, पूरा स्टाफ पूरा सहयोग किया, बच्चों ने काम किया बढ़िया, ठीक है। अच्छी हमारे समाज है, आप लोग से बैठ जाइए, फोटो आपको हो जाए। हाँ सर वाली मोबाइल लिए आ रहे हैं, आ रहे हैं। रुको याद रहे जीवन भर, इसलिए।
नहीं सबको नहीं मिले मेन कौन थे वो लिखा कौन वेरी गुड बहुत बढ़िया लिखा भाई क्या स्टेंसिल से लिखा है कि ऐसे यहाँ से लिखा है नहीं नहीं पापा तुम्हारे पेंटर हैं क्या आर्टिस्ट हैं बैंक बहुत सुंदर लिखा अच्छा आई भी वो सफाई का काम हुआ क्या विषय है बेटा आपका रक्तदान रक्तदान जीवन है ये रक्तदान क्या हम जैसे रक्तदान किसी कोई मरीज को उसको देकर अपना रक्तदान एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए जान और कोई मरीज करना चाहिए रक्तदान हमको हमारा खून कम हो जाएगा नहीं खून कम हो जाएगा सर ने पूछा खून कम हो जाएगा तो कितने से कितने रक्तदान करने से व्यक्ति की हड्डियां मजबूत रहती है और दिल की धड़कन से सही रहती है करोगे रक्तदान किस ग्रुप का है रक्तदान ग्रुप कौन सा है भोजन था।